उरी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी हमले में मिले दर्द को काफी कम किया था, लेकिन आतंकवाद का जो दर्द पाकिस्तान की तरफ से बरसों से भारत को मिल रहा है, देश अब उस दर्द का पक्का इलाज चाहता है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग करने के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं और देश की जनता भी पीएम मोदी का पूरा साथ दे रही है, लेकिन देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की पैरवी ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध हो। ऐसे कुछ लोग आपको बॉलीवुड में भी देखने को मिल जाएंगे। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों की एंट्री पर रोक के खिलाफ सलमान खान और करण जौहर जैसे कुछ कलाकार आवाज उठा रहे हैं और अब इन्हीं लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं बॉलीवुड के एक और दिग्गज एक्टर ओमपुरी। और ओमपुरी ने सैनिकों को लेकर जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। ओमपुरी ने सीधे सेना के जवानों की शहादत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक न्यूज चैनल पर पाक कलाकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इस बहस में कुछ पॉलिटिशियन और ओमपुरी भी शामिल थे। बहस के दौरान ओमपुरी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने देश के सिपाहियों का अपमान कर दिया। ओमपुरी ने कहा, हमने किसी को फोर्स किया कि फौज में जाओ। ओमपुरी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि 15 से 20 सुसाइड बॉम्बर तैयार कीजिए और उन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए। ओमपुरी के इस बयान से उनकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई। सैनिकों पर दिए विवादित बयान पर ओमपुरी की जहां जमकर आलोचना हो रही है, तो वही संघर्ष नाम की एक संस्था ने उनके खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। दूसरी तरफ ओमपुरी के इस बयान से फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग भी हैरान हैं। कुछ लोगों ने अपना दुख भी सोशल मीडिया पर प्रकट किया। इनमें से एक है अनुपम खेर। अनुपम खेर ने ट्वीट करके कहा, डियर ओमपुरी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कल टीवी पर देश के सैनिकों के बारे में आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी ओमपुरी को उनके बयान के लिए आड़े हाथों ले रहे हैं। बारामूला हमले के शहीद को अंतिम विदाई देने इटावा पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भी ओमपुरी के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसे लोगों को गद्दार बोलना चाहिए। हालांकि शहीद सैनिक पर विवादास्पद बयान देकर घिरे अभिनेता ओमपुरी ने माफी मांग ली है। ओमपुरी ने कहा कि देश की जनता अगर मुझे कोई सजा देना चाहती है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। आपको बता दें कि बारामूला में हुए शहीद सैनिक नितिन यादव को लेकर ओमपुरी ने कहा था कि उसे फौज में जाने के लिए किसने कहा था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।